अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इस वीक का जो टॉपिक होगा वो है अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट के लिए भी और आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी, क्योंकि यही बेस आगे यूज़ होगी थ्रू आउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स होते क्या हैं। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ये बात सीखी थी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कंप्राइजेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, द सम ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कहेंगे किसको, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स कौन से थे। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में यूज हो जाते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल्स कहलाते हैं, और जो प्रोडक्ट में यूज नहीं होते लेकिन फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स, जैसे मशीन के लुब्रिकेंट्स होते हैं, क्लीनिंग मटेरियल, तो ये जो सारी चीजें होंगी ये आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल्स होंगे, यानी फैक्ट्री में यूज होने वाले लुब्रिकेंट्स, डीजल या मशीन्स को जो ऑयल लगाते हैं वो लुब्रिकेंट्स वगैरह, या क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह। इनडायरेक्ट लेबर, ये वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन वो फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स सैलरी। तो ये जो लेबर कॉस्ट होगी ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे इंकर नहीं हो रही लेकिन ये सपोर्टिंग रोल में आ रहे हैं, तो वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इंकर नहीं होती लेकिन फैक्ट्री के अंदर एज अ सपोर्टिंग रोल लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंस को ये डिफाइन किया हुआ है, एनीथिंग अदर देन मटेरियल एंड लेबर इज नोन एज एक्सपेंस। जो ना मटेरियल है ना लेबर है वो एक्सपेंस होती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वही डेफिनेशन है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इंकर नहीं होता लेकिन खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल रेंट। तो रेंट ना मटेरियल की कॉस्ट है ना लेबर की कॉस्ट है, तो रेंट की कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, तो ये इस तरह के चंद एक्सपेंसेस मैंने आपके सामने लिखे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी डायरेक्टली प्रोडक्ट पे ट्रेस नहीं किए जा सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रोडक्ट अगर शर्ट बनती है तो शर्ट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई हम उसे का कोई हिसाब रख सकते हैं, वैसे तो जाहिर है नोट करने को हम उसे नोट कर सकते हैं, लेकिन हम बजाहिर डायरेक्टली ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जब एक ये वाली शर्ट बनी तो इस पर्टिकुलर शर्ट पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन आई। तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये चंद एग्जाम्पलें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन तरह की चीजें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मटेरियल का,
उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल्स को डील किया, फिर हमने लेबर पढ़ी तो हमने डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट सीखा। अब जो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, अब हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल्स वाला, वहां पे मैंने आपको डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने कहा था कि एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने एक फैक्ट्री की डायग्राम बनाई थी इस तरह की, आपको याद आ जाएगा ये पिक्चर देख के। हमने ये इस तरह डायग्राम बनाई थी। हमने कहा था कि एक कंपनी है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक पहला डिपार्टमेंट हम बनाते हैं जी कटिंग डिपार्टमेंट, शर्ट्स बनती है तो पहले डिपार्टमेंट में कटिंग की जाती है कपड़े की। ये कटिंग डिपार्टमेंट अपना किया हुआ काम आगे ट्रांसफर करता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, तो ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट हो गया। और फिर ये वाला जो है ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है स्टिच करने के बाद। इसी तरह इस फैक्ट्री में एक स्टोर भी होगा जहां पे मटेरियल को स्टोर किया जाता है। इस फैक्ट्री में परचेज डिपार्टमेंट भी होगा जो मटेरियल को परचेज करता है। इसी तरह इस फैक्ट्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो हम कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हो सकता है इस फैक्ट्री में एक कैंटीन भी हो जहां से एम्प्लॉयज जो हैं वो खाना वगैरह खाते हैं, और हो सकता है एक डिपार्टमेंट हो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो जिसका काम मशीनों को ठीक करना है। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो वाले डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, यानी ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। और ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं दीज ऑल आर सर्विस डिपार्टमेंट्स, यानी ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और ये वाले जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें प्रोडक्शन हो रही है, कटिंग स्टिचिंग पैकेजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक शर्ट की बात करें, मैंने शर्ट को एज अ प्रोडक्ट लिया है, तो एक शर्ट जब मैन्युफैक्चर होती है तो हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि उस पे कितना हमारा पैसा लगा है। तो अगर हम शर्ट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बताई हुई है, कॉस्ट कार्ड। वो भी आपको अभी रिकॉल हो जाएगा कि कॉस्ट कार्ड क्या चीज था। हमने उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखना होता था कि इस चीज पे कितने डॉलर का डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ। अब ये जरा ध्यान से रिकॉल कीजिएगा, हमने सपोज किया था उस वक्त के, सपोज करते हैं कि एक शर्ट पे 3 मीटर कपड़ा लगता है और 1 मीटर का रेट $10 है। इसका मतलब है $30 का आपका मटेरियल यूज हो गया, डायरेक्ट मटेरियल क्लॉथ। इसी तरह इस शर्ट को जिसने स्टिच किया उस टेलर को जो पे किए वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुई, और हमने सपोज किया कि ये 2 आवर्स में एक शर्ट को स्टिच करता है और हम उसे जो पे करते हैं वो लेट से कि $12 पर आवर हम पे करते हैं, तो इट मींस $24 उसकी स्टिचिंग कॉस्ट हो जाएगी। फिर कुछ इस शर्ट पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है कि किसी ब्रांड का नेम यूज करने पे उस ब्रांड को कोई पैसे पे करते हैं। लेट से कि ये शर्ट जो है ये मार्क्स एंड स्पेंसर की है, तो वो $10 पर शर्ट रॉयल्टी चार्ज कर रहा है, तो रॉयल्टी भी हमें पता होगी, हमने वो भी लिख लिया। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इस चीज को हमने नाम दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इस प्रोडक्ट की जो है वो आपके सामने आ गई जी 64। और आपको याद होगा फिर हम यहां पे लिखते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, FOH। अब यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आए, यहां पे मैं क्या फिगर लिखूं फैक्ट्री ओवरहेड्स की, इस चैप्टर के आखिर पे हमने ये सीखना है।
यानी मैं अब आपको क्या सिखाने जा रहा हूं कि ये इस शर्ट पे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर होंगे वो ओवरहेड्स कितने होंगे जो इस शर्ट को चार्ज किए जाएं, तो ये चीज हमने फाइंड करना सीखनी है। तो ये जो सारा चैप्टर आपको मैं पढ़ाने लगा हूं, इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू ऑल मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर दिस प्रोडक्ट। कि आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल तो मुझे पता है, मैं पिछले चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, लेबर भी पता चल गई, एक्सपेंसेस भी पता चल गए, ये प्राइम कॉस्ट हुई। अब इस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इंकर होंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एक शर्ट पे कितने आएंगे, यानी प्रोडक्ट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने फाइंड करना सीखना है। तो जब हम ये फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा कुछ आ जाता है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कॉस्ट कहलाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी ये वो पैसे हैं जो मेरे इस शर्ट को बनाने पे लगे, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर उसके बाद हम इसमें सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन चीजें जो हैं, सेलिंग कॉस्ट भी इंकर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इंकर होती है, इसी तरह मुख्तलिफ तरह की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर होंगी, तो वो हम लिख लेंगे। और एट द एंड ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी इस शर्ट की, और फिर हम इस शर्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि इस शर्ट को हमने सेल कितने का करना है, तो ये सेल प्राइस पता चल जाएगी। तो पहली बात ये कि हम कॉस्ट फाइंड क्यों करते हैं, हम इसलिए फाइंड करते हैं कॉस्ट कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे कितना खर्चा हुआ है इस शर्ट पे, और हमने अल्टीमेटली इस शर्ट को कितने का सेल करना है, क्योंकि शर्ट बनाई किस लिए, सेल करने के लिए। तो ये जी, ये आपको मैंने अभी तक सारा पिछले चैप्टर्स के साथ लिंक किया है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होंगे, फिर हमने डिपार्टमेंट्स को रिवाइज किया कि हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, कुछ को सर्विस डिपार्टमेंट कहा जाता है। ध्यान से सुन लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और सर्विस डिपार्टमेंट्स वो हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, लाइक स्टोर हो गया, परचेजिंग, अकाउंट्स, कैंटीन, मेंटेनेंस, दीज आर द सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स। तो ये सर्विस दे रहे हैं किन को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, एज एंड वेन नीडेड, यानी अगर परचेजिंग करनी है तो ये परचेज करके दे देंगे, खाना खाना है कैंटीन खाना प्रोवाइड कर देगी, मशीनरी खराब हो गई है तो मेंटेनेंस जो है वो मेंटेन कर देगी मशीनरी इनकी। और फिर हमने कहा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट हमने पहले चैप्टर के आखिर पे सीखा था, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिस लिख लेते हैं, फिर प्राइम कॉस्ट हो जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है। तो हमने इस चैप्टर में ये सीखना है, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि इस प्रोडक्ट के फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे, इसको कितने ओवरहेड्स चार्ज करूं, तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जी। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले हम इसको देख लेते हैं। जी पूछे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कन्वर्जन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा है, वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। कन्वर्जन कॉस्ट देखिए, इसके नाम से याद रखें, कन्वर्जन कन्वर्ट करना। हमारे पास कपड़ा आया, हमने उस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट किया, यानी वो कपड़ा था उसकी शर्ट बन गई। अब कपड़े को शर्ट में किस किस चीज ने कन्वर्ट किया, लेबर ने, कौन सी लेबर ने, डायरेक्ट लेबर ने, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंकर, टैग वगैरह लगा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ने। इसका मतलब है सम ऑफ दीज थ्री थिंग्स इज इक्वल टू कन्वर्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया,
कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये तीनों आ जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं कन्वर्जन कॉस्ट को, द कॉस्ट इंकर्ड टू मटीरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, द कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटीरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। तो ये आपको याद आ गया होगा, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ था जी। कॉस्ट कार्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक ही चीज है, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि कॉस्ट कार्ड की टर्म हम यूज करते हैं जब हम एक यूनिट का डाटा बनाएं। जैसे आपके सामने मैंने ये डाटा एक यूनिट का लिखा है, एक शर्ट का, तो ये कॉस्ट कार्ड है। और अगर हम ये मल्टीपल एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टेटमेंट बनाएं जिसमें पूरे पीरियड के स्टेटमेंट बनी हो, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट होती है। हम बनाएंगे, वो अगला चैप्टर हमारा आ रहा है, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जी। प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये सही हो गया। जी ओके, अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। देयर आर फोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। नंबर वन, एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को FOH शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अब आपको पता चल गया है कि ये क्या है। एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फर्स्ट स्टेप, हम इसे स्टेप्स भी कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। स्टेप वन, यानी सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स को एलोकेट किया जाता है, अभी बताऊंगा कि एलोकेशन क्या चीज है। स्टेप टू, अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टेप थ्री, री अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड स्टेप फोर इज द लास्ट स्टेप, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यदि हमने चार चीजें सीखनी है टोटल, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, री अपोर्शनमेंट एंड अब्सॉर्प्शन। यहां से ये एक एग्जामिनर एमसीक्यू बना लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट एंड अब्सॉर्प्शन। तो आपने हमेशा प्रैक्टिकली भी, हम ओवरहेड्स की अकाउंटिंग इसी सीक्वेंस से कर रहे होते हैं, पहले स्टेप पे हम एलोकेशन करते हैं, फिर हम उसे अपोर्शन करते हैं, फिर रीअपोर्शनमेंट होती है, फिर अब्सॉर्प्शन की बारी आती है। तो प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी इसका यही सीक्वेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा एलोकेशन क्या चीज है, अपोर्शनमेंट क्या चीज है, रीअपोर्शनमेंट और अब्सॉर्प्शन क्या चीज है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे, बहुत इजी चीजें हैं, बस आपने इसको तवज्जो से सुनना है। एलोकेशन, अब मैं जरा एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को पहले डिफाइन करता हूं। जरा चंद सेकंड के लिए सोचिए कि आप क्या समझते हैं कि एलोकेशन का क्या मतलब होगा। वोकैबुलरी से, अपने ज़हन से सोचें कि एलोकेशन क्या हो सकती है। अच्छा, मेरे पास एक आंसर आया जी, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है,
एक आंसर आ गया टू फाइंड, यानी कोई चीज फाइंड करना। चलें अब आप ना सोचें, अब मैं आपको बताता हूं। एलोकेशन इज द अलॉटमेंट और चार्जिंग ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट टू ओनली दैट डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट्स। अब इसको अंडरस्टैंड करें, कहते हैं एलोकेशन इज द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है दे देना, जैसे मैं कहूं कि ये चीज आपकी है तो मैं आपको दे दूं, तो ये अलॉटमेंट होगी, एक तरह से आपको आपकी जगह मिल गई, अलॉट कर दिया। किस चीज को अलॉट कर रहे हैं? कहता है ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट टू ओनली दैट डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट्स। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवरहेड्स को अलॉट किया जाता है, दे दिया जाता है उस डिपार्टमेंट को जिसको जाना चाहिए, यानी जिसकी ये चीज बनती है उसी डिपार्टमेंट को ये चीज दे देनी चाहिए। नॉर्मली वो कौन सी दो चीजें हैं? नॉर्मली वी नो डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। अभी हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया ना, कि एक फैक्ट्री के अंदर 5, 6, 10 डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो कहते हैं आम तौर पे हमें पता होता है कि हर डिपार्टमेंट ने कितना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया और कितनी इनडायरेक्ट लेबर यूज की। नॉर्मली वी नो डिटेल्स, डिटेल्स में वो आ गया कि कितने खर्चे हैं किसके, ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स के एंड इनडायरेक्ट लेबर के, किसके, ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। अब मैं आपको जरा बुक पे लेके चलता हूँ जी। ये आपका चैप्टर है नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। ये यहां पे वही चीजें आ रही हैं, एलोकेट, अपोर्शन, देन सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, फिर अब्सॉर्प्शन। तो हम ये सारी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिवीजन हो गई, ये इनडायरेक्ट की रिवीजन होगी, ये मैं आपको करवा चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन, सेलिंग, ये अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, एडमिन से रिलेटेड होंगे तो वो एडमिन ओवरहेड्स होंगे। अभी हम डिपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन सिखाना चाह रहा हूं। ये आ गया जी एलोकेशन। एलोकेशन को देखें जी। The first stage of absorption process involves the allocation and apportionment. Allocation होती है और apportionment होती है। अब allocation क्या चीज है? Allocation involves charging overheads directly to specific departments. ये देखें, कहता है overheads charge होंगे directly किसको? टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। तो मैंने भी इससे मिलती जुलती अपने अल्फाज में लिख दिया था कि एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवरहेड्स अलॉट किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट को जिससे वो रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक का वर्ड यूज किया, और जब वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाला काम हो जाता है, फिर अगला स्टेप आता है अपोर्शनमेंट। तो वो मैं अभी आपको अपोर्शनमेंट अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, बताता हूं सिर्फ 5 मिनट बाद।
मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखें, ये एक डाटा देखते हैं जी। इस इलस्ट्रेशन में ना हमने दोनों काम करने हैं, एलोकेशन भी करनी है, अपोर्शनमेंट भी करनी है। तो इस इलस्ट्रेशन से हमने दोनों चीजें सीखनी है। अब आपकी मुझे तवज्जो चाहिए। एलएस लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब देखें, उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि इसके कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। दो हैं जी। और आपको अब पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है? जहां पे प्रोडक्शन होती है, और वो कौन से हैं? असेंबली और फिनिशिंग। तो आपने इस सवाल में इनके नाम याद रखने हैं, एक का नाम असेंबली डिपार्टमेंट है, एक का नाम फिनिशिंग है, और इन दोनों में प्रोडक्शन होती है। एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो सर्विस डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? जो सर्व करते हैं। एंड दोज आर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड कैंटीन डिपार्टमेंट। तो हर सवाल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की तादाद वेरी करेगी, सर्विस डिपार्टमेंट की तादाद वेरी करेगी, नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए किसी ने ये नहीं समझना कि हमेशा दो ही होंगे, हमेशा तीन होंगे, नाम यही होंगे। तो हर क्वेश्चन यूनिक है। अच्छा, द फॉलोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। बजटेड का मतलब होता है प्लान। हमने प्लान किया कि हमारे आने वाले पीरियड में इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 के लगेंगे, रेंट इतना है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी है, डेप्रिसिएशन इतनी है, इनडायरेक्ट लेबर इतनी है। तो इसका मतलब है इस फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। ये जरा आप टोटल करें, यहां टोटल नहीं लिखा हुआ, आप टोटल कर लें। जी, तो ये टोटल ओवरहेड्स आ गए इस फैक्ट्री के, ये 56520 है या 66520 है? जी, जो भी टोटल होगा ये टोटल हमने कर लेना है। ओके, अब देखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब इस फैक्ट्री का हमें और भी इंफॉर्मेशन दी गई। ये तो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन थी। एरिया बताया गया, एरिया, और ब्रैकेट में लिखा है स्क्वेयर मीटर। जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो 1,000 स्क्वेयर मीटर जो है वो कंजम्पशन लेता है। फिनिशिंग के पास 2,000 स्क्वेयर मीटर है, मेंटेनेंस के पास इतना है। टोटल एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग जो है वो 4,000 है, यानी इन सब को उसने जमा किया तो टोटल क्या आ गया? 4,000 किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स होते हैं, जो मीटर पे बिजली के मीटर के जो यूनिट्स होते हैं उसे कहते हैं किलोवाट आवर्स। असेंबली डिपार्टमेंट ने इतनी बिजली कंजम्पशन की है, इसने इतनी, इसने इतनी, और इन सब का सम 10,000 किलोवाट आवर्स। मशीन वैल्यू, मशीन मीन जो मशीन है आपके पास। असेंबली डिपार्टमेंट के पास 45,000 की मशीनरी है, फिनिशिंग के पास 35,000 की है, इसके पास 11,000 की है, और इनका सम 1,00,000 है। यानी इस फैक्ट्री की टोटल मशीनरी की वैल्यू 100,000 है। ये डाटा समझना आ गया ना आपको? मैं आपको देखें डाटा भी समझा रहा हूं कि आपने डाटा को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ये पहले सवाल पे मेहनत करेंगे, उसके बाद हमें मेहनत की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इस फैक्ट्री का अगर स्टाफ देखा जाए तो स्टाफ में असेंबली डिपार्टमेंट के पास 18 बंदे काम करते हैं, फिनिशिंग के पास 30 हैं, 12 हैं, 2 हैं, और इनका सम 62 है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आवर्स 3,175 हैं, फिनिशिंग में 3,800 हैं, इसमें कोई नहीं है, और इन सब का सम ये है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इन दोनों डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों नहीं है? वैसे ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इतना ग्रूम कर दिया है कि वो बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे ये नील क्यों है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स इन दोनों डिपार्टमेंट्स में क्यों नहीं है?
शाबाश, वेरी गुड, स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है जी। क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, जहां प्रोडक्शन हो रही होगी वहां डायरेक्ट नेचर की चीजें आती हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वाली कोई चीज नहीं होती क्योंकि वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। शाबाश जी। अच्छा अब देखें, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इसने इतना यूज किया, इसने इतना, इसने इतना, और इन सब का सम 20,000। इनडायरेक्ट लेबर हर डिपार्टमेंट की उसने बता दी, तो सबका सम इतना हो गया। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, जरा इधर चलते हैं, ये वाली देखें जरा स्टेटमेंट। नॉर्मली वी नो, कहता है आमतौर पे हमें पता होता है किस चीज का, डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो जरा देखें यहां पे क्या आपके पास ये है, नहीं, ये देखें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल है 20,000, इसका टोटल है इतना, और अगर क्वेश्चन देखें तो क्या इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 ही है, क्या इनडायरेक्ट लेबर 16,520 ही है। तो देखें ये दो वाहिद चीजें थीं, ये दोनों, जिनमें हमें पता था कि हर डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया। बाकी आप रेंट देखें, रेंट हमें नहीं पता कि किसने कितना यूज किया, रेंट की अमाउंट देख लें, आपको इस डाटा में नहीं दी हुई कि असेंबली का इतना रेंट बनता है, फिनिशिंग का इतना बनता है, मेंटेनेंस का इतना बनता है, ये नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, वो नहीं बताया हुआ कि 10,000 में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी असेंबली की है, कितनी फिनिशिंग की है, ये हमने फाइंड करना है, वो हम करेंगे अभी। और डेप्रिसिएशन टोटल बताई हुई है लेकिन ये नहीं बताया कि असेंबली की कितनी है। लेकिन आप देखें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ये दो वाहिद चीजें हैं जिनकी डिटेल उसने खुद ही दे दी है, तो जिनकी डिटेल दी होती है उन्हें एलोकेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों चीजें थी इनकी एलोकेशन होनी है, क्योंकि एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसका जितना बनता है उसके सामने लिख दें, चार्जिंग अ कॉस्ट टू अ डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, हमने पहला स्टेप ये करना है कि डाटा में से वो चीजें ढूंढें जिनका उसने खुद ही बता दिया है कि ये इसका इतनी अमाउंट है, इसकी इतनी अमाउंट है, इसकी इतनी अमाउंट है, तो जिसकी उसने सारी डिटेल्स खुद से बता दी है, सबसे पहले उसे अलहदा कर दें। तो उसके लिए हमें एक शीट बनानी पड़ेगी, वो शीट ये है। अब ये देखें, असेंबली, फिनिशिंग, ये दोनों आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दोनों आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल्स असेंबली का कितना है वो असेंबली के सामने लिख देना, यहां से देख के हमें कुछ नहीं करना, जस्ट डाटा पिक करना है, वो लिख देना है। तो ये यहां पे मैंने लिखा जी 7,000, 8,000, 3,000, 2,000। मैंने वहां से देखा जो जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, 7, 8, 3 और 2, ये हमने लिख दिया। और इनका अगर हम टोटल करें तो वो 20,000 ही बनेगा, यानी टोटल पे कोई फर्क नहीं आया, टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल जितना था उतना ही रहा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी उसने बताई हुई है, तो वो भी हम उसी तरह लिख देंगे, 1,600, 2,220। ग्यारह, 200 और 1,500। और इसका टोटल बन गया 16,520। अच्छा मुझे बता दें कि ये आपको समझ आ गया है एलोकेशन क्या चीज है, ये हमने एलोकेशन की है। मैं इसका अपना सोल्यूशन भी आपके सामने बना देता हूँ, मैं पहले आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से बेटा हमने करना है कि जिस डिपार्टमेंट का हमें कोई भी खर्चा क्लियर क्लियर बताया हुआ है कि इतने डॉलर यहाँ हैं, इतने यहाँ हैं, उनको एज इट इज लिख देना है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स।
जी एलोकेशन तक के सवाल जो हैं वो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, आप पूछ लें अगर कोई मसला है एलोकेशन में। जी ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, एलोकेशन इज वेरी इजी। ओके जी, जब एलोकेशन हो जाती है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है अपोर्शनमेंट का। मैं उसी जगह पे वापस जाता हूं, स्टेप टू पे। व्हाट इज स्टेप टू? अपोर्शनमेंट। पहला स्टेप था एलोकेशन, स्टेप टू इज अपोर्शनमेंट। अब मैं आपको अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। व्हाट इज अपोर्शनमेंट? Apportionment is the distribution of common costs, distribution of common costs of overheads among benefiting departments on appropriate basis। जी बच्चों, अब इसको समझ लिया तो आप समझे आपको बहुत कुछ समझ आ गया आज। अपोर्शनमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स among benefiting departments on appropriate basis। दो तीन चीजें इसमें समझनी है आपने। पहली चीज, अपोर्शनमेंट हमेशा उस चीज की होगी जो कॉमन कॉस्ट है, पहला क्राइटेरिया। यानी जो चीज कॉमन कॉस्ट है उसको डिवाइड करना है किस में? अमंग बेनिफिटिंग डिपार्टमेंट्स, यानी जिस जिसने उस चीज से फायदा हासिल किया। और जब आपने डिवाइड करना है तो ये नहीं कि जो कमजोर है उसे ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दो, नहीं, ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस। यानी हमने ट्रू एंड फेयर रहना है, जब हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उस कॉमन कॉस्ट की, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई मुनासिब बेस होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें हों तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि फलां चीज इस डिपार्टमेंट की इतनी बनती है, तो ये कॉन्सेप्ट अपोर्शनमेंट कहलाएगा। आई रिपीट दिस, अपोर्शनमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। यानी ओवरहेड्स में से वो चीजें जो कॉमन है, कॉमन किसको कहेंगे? पूरी फैक्ट्री की एक ही है। मसलन रेंट हमने इकट्ठा दे दिया, अब डिपार्टमेंट चार थे, किसका कितना कितना रेंट है? अलहदा अलहदा रेंट नहीं वो दे रहा। अगर वो अलहदा अलहदा रेंट देता तो वो एलोकेशन की तरह ही हो जाना था, जिस तरह इनडायरेक्ट मटेरियल हमें हर एक का अलहदा अलहदा पता था। लेकिन रेंट हमें हर एक का अलहदा अलहदा नहीं पता, उसने टोटल बताया है कि भाई इस फैक्ट्री का रेंट इतना है। अब उसमें से असेंबली का कितना होगा, फिनिशिंग का कितना होगा, मेंटेनेंस का कितना होगा, स्टोर का कितना होगा, वो हमने बताना है। वो हमने जब बताना है तो हमने कैसे डिवाइड करना है? बराबर बराबर भी नहीं कर सकते, उसकी कोई अप्रोप्रिएट बेस लेनी है। और अप्रोप्रिएट बेस हमेशा सवाल के अंदर से ही सिलेक्ट करनी होती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली चीज कॉमन कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी अपोर्शनमेंट होनी है। दूसरी चीज उनमें अपोर्शन करना है जिन्होंने फायदा लिया है। आपको मैं एक आसान सी एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करें कि आप चार बहन भाई हैं, आपके घर में इंटरनेट है, इंटरनेट
आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो सपोज करते हैं कि तीन लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, चौथा भाई जो है वो अभी छोटा है, वो ऑनलाइन क्लास नहीं लेता, तो इंटरनेट का बिल किन में डिवाइड होना चाहिए? सिर्फ उनमें जिन्होंने उससे फायदा हासिल किया है। तो इट मींस कि आपने हमेशा जब कॉमन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिर्फ उन लोगों को चार्ज करना नहीं है जिन्होंने उससे फायदा लिया। जिसने कोई चीज यूज ही नहीं की, समटाइम ऐसा होता है कि एक फैसिलिटी एक डिपार्टमेंट यूज ही नहीं करता, तो फिर उसको उसका शेयर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वर्ड यूज किया ऑन अप्रोप्रिएट बेस, यानी बेस वो लो जो बनती है, जो मुनासिब है, किसी के साथ ज्यादती ना हो। अब हम उसी सवाल पे वापस चलते हैं और अब हम देखते हैं उस सवाल में कॉमन एक्सपेंसेस कौन से थे। देखिए रेंट, उसने मैं उन्हें ग्रीन से टिक कर रहा हूं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, डेप्रिसिएशन होगी। तो ये तीन चीजें ऐसी थी जो उसने मुझे कॉमन बताई थी, यानी पूरी फैक्ट्री की बताई थी। अब मैंने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन में करूं जिन्होंने इससे फायदे लिए? कौन है वो? वो ये टोटल चार लोग हैं, दो प्रोडक्शन वाले, दो सर्विस वाले। अच्छा, अब रेंट की बेस क्या होनी चाहिए? जाहिर है बेस इसी से ही लेनी होती है। तो आपको पता है कि जब हम रेंट पे कोई चीज लेते हैं तो रेंट डिपेंड कर रहा होता है, जितना बड़ा घर है उतना ज्यादा रेंट है, तो इट मींस एरिया पे डिपेंड करता है। सो द सूटेबल बेस ऑफ रेंट अपोर्शनमेंट इज द एरिया। तो देखें सवाल के अंदर एरिया दिया हुआ था, यस बिल्कुल दिया हुआ था एरिया। इसका मतलब है कि ये जो रेंट है 15,000, ये टोटल फैक्ट्री का रेंट है जिसका एरिया 4,000 है। अब उसमें से असेंबली का कितना शेयर बनेगा, फिनिशिंग का कितना शेयर बनेगा, मेंटेनेंस का कितना शेयर बनेगा, कैंटीन का कितना शेयर बनेगा, ये हमने अब काम करना है। और ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसी को अपोर्शनमेंट कहते हैं। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है कि असेंबली का रेंट कितना बनेगा? बहुत सारे बच्चे बता देंगे, क्योंकि ये चीजें ना आपको ऑलमोस्ट छठी जमात में, सातवीं में या मैक्सिमम आठवीं में सिखा दी जाती हैं ये चीजें। अभी आपको शायद याद ना है, लेकिन मैं अभी याद भी करवा दूंगा आपको एग्जैक्ट वही वर्डिंग बता के जो आप छठी सातवीं और आठवीं के मैथमेटिक्स के पेपर में पढ़ते रहे। जी मुझे आंसर बताइए, गैस करें, कोशिश करें कि कैसे होना चाहिए। मैं बाकी तरीका बताता हूं आपको, मुझे मेरा ख्याल है आंसर आने लग गया है, मैं देख लूं। अच्छा जी, रेशो के मुताबिक, शाबाश। और एक बच्चे ने तो सारे आंसर निकाल के भेज दिए हैं भाई, बुक से तो नहीं देख के भेजे। अच्छा जी, रेशो के मुताबिक करने हैं जी, शाबाश, ठीक हो गया। अब देखें रेशो कैसे निकालनी है, जिनको नहीं याद आया वो अब सुन लें। आपका जो रेंट है ना, रेंट ये टोटल 15,000 है, और आपका टोटल एरिया कितना है? 4,000 स्क्वेयर मीटर। ये डॉलर है और ये चीज क्या है? स्क्वेयर मीटर। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 15,000 को 4,000 के साथ, तो ये बेसिकली बन गया $3.75 पर स्क्वेयर मीटर। यानी जिसके पास एक स्क्वेयर मीटर एरिया है उसको $3.75 रेंट चार्ज करने। तो असेंबली के पास कितने स्क्वेयर मीटर है? 1,000। तो असेंबली जो है उसका रेंट क्या निकलेगा? 3.75 × 1,000। तो ये बना 3750। फिनिशिंग के पास कितने स्क्वेयर मीटर हैं? 3.75 रेट है और 2,000 स्क्वेयर मीटर है, तो इसका ये आ गया। देन मेंटेनेंस के पास कितने स्क्वेयर मीटर हैं? 500। तो इसका कितना बनेगा? 3.75 × 500, 1,875। देन कैंटीन 3.75 × 500, तो ये 1,875 इनका हो गया। अच्छा, इन सब का सम कर ले 15,000 होना चाहिए। अगर ये 15,000 है तो आपने ठीक किया है सारा।
क्योंकि ये वही 15,000 है जो डिवाइड हो गया असेंबली में, फिनिशिंग में, मेंटेनेंस में, कैंटीन में। तो अगर आपने इसका सम जो है वो वेरीफाई कर लिया तो ये जी आपका अपोर्शनमेंट हो गई। तो देखिए अपोर्शनमेंट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो हमने पहले रेट निकाल लिया, उस रेट को फिर हर डिपार्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। जी मैं क्वेश्चंस देख लूं, मेरा ख्याल है आप मुझे आंसर ही बता रहे होंगे। जी बिल्कुल सही है, आपके आंसर मैंने देख लिए, बता दिए। जी अगर किसी को नहीं समझ आई ना तो वो मुझे बताए जी मुझे समझ नहीं आई। तो करना क्या है, रेंट एक चीज पकड़ी, उसको उसके लिए एक बेस ढूंढी। इसमें सिर्फ गलती का जो चांस है वो यही है कि आप कोई गलत बेस ले लें। आपने लॉजिकली देखना है कि क्वेश्चन में उसने अगर मुझे कोई बेस बताई है तो मैंने उस चीज के लिए वही चीज लेनी है, अदरवाइज मुझे अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि मुझे किस चीज में मसला हुआ। ओके, एक बच्चे कह रही सर मुझे समझ नहीं आया। तो बेटा अभी मैं अगली कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो आपने अब ज्यादा तवज्जो से सुनना है तो आपको समझ आ जाएगी अगली कॉस्ट की भी। अच्छा ये रेंट हमने कर लिया है, इसको हम अगर शीट में लिखना चाहें यहां पे तो ये रेंट का हम लिख सकते हैं कि रेंट की बेस आई थी एरिया और इसका आंसर 3750 निकला है, इसका 7500, इसका 1875 और टोटल 15,000। तो ये हमने यहां पे इस शीट में फिल कर देना है कि असेंबली का इतना रेंट बना, फिनिशिंग का इतना बना, मेंटेनेंस का इतना बना, कैंटीन का इतना बना। जी बेटा जिसको समझ नहीं आई ना अब वो जरा देखे, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं, सेम टू सेम, बस नाम का फर्क है, बाकी तरीका वही होगा। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 10,000 है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 10,000 है। अब इन बेसिस में से इलेक्ट्रिसिटी की क्या बेस होनी चाहिए, प्रेफरेबली जिस बच्चे ने कहा था ना मुझे समझ नहीं आई वो मुझे आंसर करे कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए किस चीज को बेस बनाऊं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी शाबाश, किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की बेस है, यानी जितने ज्यादा कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की उस हिसाब से चार्ज होना चाहिए। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है ना वो 10,000 है टोटल, और टोटल कंजम्पशन कितनी है वो भी 10,000 है। ये देखें ये किलोवाट आवर्स है 10,000। अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूं जी, आप समझ लें बेटा इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो कॉस्ट है वो $10,000 है और आपकी जो बेस है वो कितनी है टोटल बेस, वो भी है 10,000 किलोवाट आवर्स। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो ये आंसर आया $1 पर किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट के बदले में $1। अब असेंबली के कितने यूनिट्स हैं वो उसने सवाल में बताए हुए हैं, उसको असेंबली के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो असेंबली के यूनिट्स बताए हुए हैं 2750, तो ये आंसर 2750 बन गया। इसी तरह सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4519 75 और 750 75। ये मैं यहां पे लिखने लगा हूं, अब इलेक्ट्रिसिटी की बेस होगी किलोवाट आवर्स, ये 2750, देन 4500, 1975 एंड 775।
वन से मल्टीप्लाई होना था, तो वन से मल्टीप्लाई होके वही आंसर बनता जा रहा है, तो ये 10,000 आ गया जी इसका टोटल। इन सब को अगर आप टोटल करेंगे तो वो 10,000 ही होगा जी। समझ आ गई है? अब बताएं क्या किया हमने, दूसरी चीज एक ली इलेक्ट्रिसिटी, उसका हमने रेट निकाला, फिर उसका फिनिशिंग हर डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा निकलेगा उसी तरह, लेकिन इस सवाल में मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करना था तो आंसर वही आता जाएगा, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन शो नहीं कराई, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ये कर सकते हैं और इन सब का टोटल जो है वो 10,000 होगा। यानी आपकी जो 10,000 इलेक्ट्रिसिटी की रकम थी उसको आपने चारों में डिवाइड कर दिया जी। अब एक आखिरी चीज रह गई है और इंशाल्लाह इसके आखिर पे सबको समझ आ जाएगी, मशीन डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताएं कि मुझे डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी बेस लेनी चाहिए। अच्छा जी, बच्चे तो लायक हो गए। मशीन वैल्यू, शाबाश, क्योंकि आपको पता है कि जितनी मशीनरी महंगी होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ज्यादा होता है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, मर्सिडीज की वैल्यू ज्यादा है उसकी डेप्रिसिएशन की फिगर भी ज्यादा होगी, टोयोटा XLi GLi की वैल्यू कम है तो इनकी डेप्रिसिएशन भी कम होगी। इट मीन्स हमें पता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा वैल्यू पे डिपेंड करती है, जो चीज़ जितनी महंगी होती है डेप्रिसिएट भी उतना ज्यादा होती है, तो डेप्रिसिएशन के लिए सूटेबल बेस जो है वो आपकी मशीनरी वैल्यू है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं जी। डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है, $5,000, और मशीन की वैल्यू को बेस बनाना है, और मशीन की वैल्यू कितनी है जो दी हुई है $100,000, ये दी हुई है जी क्वेश्चन में। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो अब देखें डॉलर से डॉलर कैंसिल हो गया, अब जो रेट निकला ना यहां से डेप्रिसिएशन का रेट वो क्या निकला, 0.05। आप 5,000 को जब डिवाइड करेंगे 1,00,000 से तो ये आएगा 0.05, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 5% निकल आया, ये रेट का निकला 5%, यानी जितने की वैल्यू होगी उसका 5% डेप्रिसिएशन होगा। अब आपके चार डिपार्टमेंट्स हैं असेंबली, तो क्वेश्चन में देखें असेंबली की मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000 है, 45,000 का 5% ले लें, 2,250 बन गया, तो ये डेप्रिसिएशन असेंबली की है। फिनिशिंग की मशीनरी 35,000 की है और इसका 5% ले लें, 1,750 इसका बन गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी मशीनरी की वैल्यू 11,000 है, 5% इसका ले लें, 550 बन गया। कैंटीन में मशीनरी है आपकी 9,000 की, तो 9,000 का 5% ले लें तो 450 ये हो जाएगा, और इन सब को जमा कर लें, क्या ये 5,000 बनता है? अगर ये 5,000 है तो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी ठीक है। और इसको अब वहां पे लिख देना है, तो मशीन डेप्रिसिएशन की बेस हमने लिखी वैल्यू, और हमने आंसर क्या निकाले यहां से देख के अब लिख देने, 2,250, 1,750, 550 और 450 और टोटल 5,000।
जी बच्चों यहां तक बता दें अगर भी मसला है। इन तीनों को हमने क्या किया है, अपोर्शन किया है। ये जो आप इन तीनों को काम किया है, ये क्या हुआ है, अपोर्शनमेंट। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या था, एलोकेशन थी। ये इनडायरेक्ट लेबर क्या था, ये एलोकेशन थी। ये जस्ट लिखा था जिसका जितना बनता था, और अपोर्शनमेंट में हमने कैलकुलेशन की है। जी क्लास कोऑर्डिनेटर्स, अगर ये चैट क्लियर हो सकती है तो काइंडली इस चैट को क्लियर कर दें। वो क्वेश्चन ना मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, अगर ये क्लियर हो सकता है तो इतनी चैट क्लियर कर दें। जी अब हमने करना क्या है, ये जो शीट हमने बनाई है ना आपके सामने, इसको नाम दिया जाता है जी ओवरहेड एनालिसिस शीट। एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल आता है, आपने आजकल फेसबुक पे देखा भी होगा कि वो बच्चे शेयर कर रहे हैं मॉक में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ओवरहेड शीट दी हुई है, उसके अंदर आपने लिखना है कि किस डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड्स बनते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था आज के लेक्चर में कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बेस भी बननी है हमारी, कॉस्टिंग में ओवरहेड्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने समझना है। अच्छा अब जब ये काम कर लिया जाता है, अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में हमने सारा कुछ कर लिया, ये पांच चीजें थी, पांचों को हमने इस शीट के अंदर लिख लिया। क्योंकि ये सीबी पेपर है, ये शीट आपको बनी हुई दिखाई जाएगी, आपने सिर्फ उसके अंदर फिगर्स लिखनी है। अगर ये रिटन पेपर होता तो फिर आपको ये फॉर्मेट भी याद रखना था, लेकिन क्योंकि ये सीबी है आपसे कुछ टाइपिंग नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ न्यूमेरिक की एंट्री कराएंगे, ये फिगर्स आपने एंटर करनी है, तो आपको ऐसी ही एक शीट नजर आएगी वहां पे, आपने सिर्फ अमाउंट्स की वर्किंग करके वहां पे लिखना है। अच्छा जी अब ये काम करने के बाद जब एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट हो जाती है तो एक काम करना होता है, इनका टोटल करना है जी, डिपार्टमेंट वाइज टोटल करना है। तो इसको नाम दिया जाता है टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। तो डिपार्टमेंट वाइज जरा टोटल कर लें, कुछ बच्चे असेंबली का कर लें, कुछ फिनिशिंग का, कुछ मेंटेनेंस का, कुछ कैंटीन का, और जब आंसर भेजें तो साथ लिख दें कि असेंबली का टोटल इतना है, फिनिशिंग का इतना है, कैंटीन का इतना है, मेंटेनेंस का इतना है।
एक आंसर सिर्फ मुझे अभी मिल नहीं रहा चैट में, वो ऊपर नीचे हुआ है, फिनिशिंग का आंसर बता दे, बाकी तो तकरीबन मुझे मिल गए हैं। तेईस 970। अच्छा, अगर आप इन चारों का टोटल करें, चारों का टोटल करें, कितना बनता है? 66,520 बना। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो मैंने आपसे टोटल करवाया था यहां पे, ये टोटल मैंने इसीलिए करवाया था। देखें, ये पांचों खर्चे टोटल 66,520 के थे। हमने सिर्फ ये किया है कि इस 66,520 को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि भाई जिसका जितना बनता है ना उसके सामने आना चाहिए। तो आपकी एलोकेशन से और अपोर्शनमेंट से कंपनी के टोटल ओवरहेड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने थे उतने ही रहे। तो ये भी याद रखिएगा कि अक्सर थ्योरेटिकली ऐसा सवाल भी बना देते हैं कि व्हेन वी अपोर्शन और एलोकेट ओवरहेड्स द टोटल ओवरहेड्स चेंज, नहीं टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स में फर्क पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट के इतने, इसके इतने हैं, लेकिन उन सारे डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को अगर हम टोटल करें तो वो टोटल ओवरहेड्स आपके उतने ही होंगे जितने के ओरिजिनल थे। हमारी इस टेक्निक से टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, यहां तक हमने सीखा एलोकेशन अपोर्शनमेंट, तो हमने ये शीट बनाई। अब आप 5 मिनट की ब्रेक करें, मैं 12:50 पे दोबारा स्टार्ट करता हूं और फिर हम अगली स्टेप पे जाएंगे। वालेकुम सलाम फहीम भाई, ये चैट की ये डिलीट हो सकती है जो सारी है? हाँ, वो ना मिक्स हो जाते हैं सवाल, ऊपर नीचे चले जाते हैं, एक सीक्वेंस से आते नहीं है, फिर वो ढूंढने में मुश्किल होती है। क्लियर होती है, एक ही ऑप्शन से करते अगर होती है ब्रेक की जाए। लेकिन जब शुरू हो जाएगा फिर बाद में बेशक ला लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? जो बुक होती है ना, उसमें आपने ये थ्योरी पढ़ी होती है, उस न्यूमेरिकल के जैसे क्लास वर्क के लिए जो किस चीज़ को स्क्रीन पर करा रहा है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो बुक होती है। तो वो बुक कैपलान की पढ़ लें, बीपीटी की भी है, जो बीपीटी पढ़ना चाहते हैं वो बीपीटी के लिए है। तो बुक पढ़ने के लिए कैपलान की पढ़ लें, और जो किट है ना उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो किट हम दोनों करते हैं, कैपलान भी करते हैं, बीपीटी करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। जी हमने एलोकेशन और अपोर्शनमेंट दोनों काम कर लिए।
हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के भी टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स बना लिए, सर्विस डिपार्टमेंट के भी टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स पे वापस जाते हैं जहां से मैंने आज का काम स्टार्ट किया था। एलोकेशन हो गया, अपोर्शनमेंट हो गई, अब नेक्स्ट है रीअपोर्शनमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट को समझें, री का मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज को दोबारा करना, जैसे रीप्ले, रिवाइंड, यानी जो काम ऑलरेडी हुआ हुआ है उसी को दोबारा करना है। अपोर्शनमेंट हमने की है, अब हम उस अपोर्शनमेंट को दोबारा करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे और ऐसा किसके साथ होगा, अब वो इस डेफिनेशन में कवर करता हूं जो मैं अभी आपको लिखवाता हूं। रीअपोर्शनमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू अदर बेनिफिटिंग डिपार्टमेंट्स ऑन अप्रोप्रिएट बेस और बेसिस। जी, इस डेफिनेशन को समझें। रीअपोर्शनमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड to other benefiting departments on appropriate base। कहते हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आए ना, उनको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है बेनिफिटिंग डिपार्टमेंट्स में, किस बेस पे, किसी मुनासिब बेस पे। अगर मैं सॉल्यूशन पे वापस जाऊं तो ये दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि मुझे मेंटेनेंस का ये जो 18,600 है ना, ये अब डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्होंने मेंटेनेंस से फायदा लिया है। मेंटेनेंस से फायदा किसने लिया होगा, अंडरस्टूड है, असेंबली ने और फिनिशिंग में, मतलब कॉमन सेंस यूज करें तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये किनके लिए काम करता होगा, ये असेंबली के लिए काम करता होगा क्योंकि असेंबली की मशीनरी खराब होती है तो ये ठीक करता है, फिनिशिंग की मशीनरी खराब होती है तो ये ठीक करता है। तो इसका मतलब है कि मेंटेनेंस का जो पैसे हैं वो किन दो में डिवाइड होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए असेंबली और फिनिशिंग में। अब कितने कितने डिवाइड होने चाहिए उसके लिए वो बेस होगी, ऑन अप्रोप्रिएट बेस। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है कैंटीन, कैंटीन से फायदा कौन हासिल करता है, असेंबली डिपार्टमेंट करता होगा, असेंबली में इंप्लॉइज हैं वो खाना खाते होंगे, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लोग हैं वो खाना खाते होंगे, और इसी तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी लोग हैं वो खाना खाते होंगे। तो इट मींस कैंटीन की जो कॉस्ट है 6600 वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिन्होंने इससे खाना खाया, जिन्होंने इसको यूज किया है। तो रीअपोर्शनमेंट की डेफिनेशन पे वापस जाता हूं। रीअपोर्शनमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। कभी भी प्रोडक्शन को नहीं दोबारा से करना, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला क्राइटेरिया कि सर्विस डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसके जो ओवरहेड्स आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन में करना है, जिन्होंने उससे फायदे लिए हैं, इस बेस पे, अप्रोप्रिएट बेस पे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं इस सवाल के साथ लिंक कर रहा हूं कि इस सवाल में दो सर्विस डिपार्टमेंट थे, मेंटेनेंस और कैंटीन,
कैंटीन को तीनों ने यूज किया होगा, असेंबली डिपार्टमेंट के लोगों ने भी खाना खाया होगा, फिनिशिंग को भी, मेंटेनेंस को भी। तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट इधर भी शेयर होनी चाहिए, इधर भी शेयर होनी चाहिए, इधर भी शेयर होनी चाहिए, और इन सब का टोटल 6600 होना चाहिए। इसी तरह जो मेंटेनेंस है उसकी कुछ कॉस्ट इधर आनी चाहिए, कुछ कॉस्ट इधर आनी चाहिए, और इन दोनों का सम 18600 होना चाहिए। तो ये है जी रीअपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक क्वेश्चन है कि कैंटीन में भी तो मशीनरी है, हो सकता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने उसको भी सर्व किया हो, तो बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन कहता है कि जो कैंटीन है उसको भी मेंटेनेंस ने सर्व किया है, तो हम मेंटेनेंस में भी डिवाइड करेंगे। इसी तरह जिस बेस के बारे में सवाल बताएगा हम उसको उस तरीके से लेंगे। अच्छा एक बच्चे ने और सवाल पूछा है कि कैंटीन डिवाइडेड इनटू थ्री, हाँ सही है, कैंटीन तीनों में डिवाइड होगा। नॉर्मली की मैंने बात की है, अभी तो मैंने इसको आगे लेके चलूंगा, अगली इलस्ट्रेशन में वो बताएगा कि कैसे करना है। अभी ये वाली इलस्ट्रेशन तो खत्म हो गई है, मैं इसको अब अगली इलस्ट्रेशन पे जब जाएंगे ना उसमें उसने बताया होगा कि मेंटेनेंस को किन में करना है, कैंटीन को किन में करना है, तो वो आगे सवाल के अंदर क्लियर होगा। अभी मैं आपको अपनी नॉर्मल कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसे होता है। अच्छा अब मैं उसी डेफिनेशन पे वापस चलता हूं, वहां पे आपको कुछ और चीजें भी बतानी है। जो रीअपोर्शनमेंट है उसके तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में होगा क्या, ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स विल बी रीअपोर्शन्ड टू ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। यानी इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो दो सर्विस डिपार्टमेंट है ना S1, एक को S1 कह दिया, एक को S2 कह दिया। तो जब S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसी तरह S2 को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन ये है कि ओवरहेड्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सर्विस डिपार्टमेंट ने आपस में लेन देन नहीं करना, सीधी कॉस्ट उठा के सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज करानी है, तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो अगर तो डायरेक्ट मेथड का सवाल हुआ तो फिर कैंटीन भी मेंटेनेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, जैसे मैंने खुद से सिनेरियो बनाया था कि कैंटीन मेंटेनेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन मेंटेनेंस को मैं सिर्फ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो अगर तो डायरेक्ट मेथड हुआ तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड का रूल ये है कि ये कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कराएंगे, आपस में लेन देन नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है, अब हम उसको देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला मेथड है स्टेप डाउन मेथड, पहले इसे अंडरस्टैंड करें। जब मैं सर्विस वन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो प्रोडक्शन वन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोडक्शन टू में डिस्ट्रीब्यूट होगा और एस टू में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट दे रहा है, जैसे मैंने बनाया कि कैंटीन की कॉस्ट मेंटेनेंस को दे रही है, तो ये स्टेप डाउन मेथड है। लेकिन जब मैं S2 को डिवाइड करूंगा तो S2 सिर्फ और सिर्फ किधर डिवाइड होगा, P1 में और P2 में। जैसे कि अभी जो मैंने बनाया था उसमें आप देखें S2 मैंने किसे ले लिया, मेंटेनेंस को, तो मेंटेनेंस किधर डिवाइड होगा, असेंबली और फिनिशिंग में, असेंबली और फिनिशिंग।
इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, ये दोनों क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एस वन सपोज कर रहा हूँ कैंटीन है, तो कैंटीन किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, असेंबली में, फिनिशिंग में और कैंटीन में। तो अगर ये वाला स्नैरियो हुआ तो इस स्नैरियो को नाम देंगे स्टेप डाउन, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट तो दूसरे सर्विस को कॉस्ट चार्ज कर रहा है लेकिन दूसरा सर्विस पहले वाले को कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा, तो इस मेथड का नाम होगा स्टेप डाउन मेथड। तो एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि इस स्नैरियो को क्या नाम देंगे, तो ये इनडायरेक्ट में स्टेप डाउन मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है जी, रेसिप्रोकल मेथड। अब इसमें क्या होगा कि दोनों सर्विसेज एक दूसरे को कॉस्ट शेयर करेंगे, यानी जब मैं S1 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो P1, P2 और S2 में डिवाइड होगा, और जब मैं S2 को डिवाइड करूंगा तो वो P1, P2 और S1 को भी शेयर देगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इस मेथड का नाम होगा रेसिप्रोकल मेथड, यानी दोनों डिपार्टमेंट्स रेसिप्रोकल काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो कॉस्ट चार्ज हो रही है। तो ये मैक्सिमम तीन सिनेरियोज बने, एक वो जिसमें सर्विसेज आपस में लेन देन नहीं करते, वो पहला सिनेरियो हो गया, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट आपस में लेन देन नहीं कर रहा। दूसरा सिनेरियो ये बन गया कि एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज कर रहा है लेकिन दूसरे से वापस कुछ नहीं ले रहा, और तीसरा सिनेरियो ये बना कि दोनों ही कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ये तीन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं रीअपोर्शनमेंट की। तो आपके जहन में जितने भी सिनेरियोज बन सकते थे मैंने उन्हें प्लॉट कर दिया। आपने याद क्या रखना है कि डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कॉस्ट शेयर नहीं करते, इनडायरेक्ट मेथड में आपस में ये कॉस्ट शेयर करते हैं, लेकिन अगर स्टेप डाउन है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ शेयरिंग करता है और दूसरे को वापस कुछ चार्ज नहीं करता, तो ये स्टेप डाउन मेथड कहलाता है। और अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज करते हैं तो ये मेथड रेसिप्रोकल मेथड कहलाता है जी। इन मेथड्स को आपने याद रखना है, इसको डायग्राम से याद रख लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। जी इनडायरेक्ट मेथड में ये दोनों आएंगे, इसीलिए मैंने इनडायरेक्ट में दो चीजें बनाई हैं, स्टेप डाउन और रेसिप्रोकल। ये दोनों इनडायरेक्ट की टाइप्स हैं, यानी इनडायरेक्ट में ये दो चीजें हैं, स्टेप डाउन भी इनडायरेक्ट मेथड है, रेसिप्रोकल भी इनडायरेक्ट मेथड है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, जहां तक हमने कर लिया था उससे आगे देखते हैं। ये हमने कंप्लीट की जी ओवरहेड एनालिसिस शीट, ये देखें ये उसी की कैलकुलेशन है, पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें वहां से नजर आ जाएंगी, मैंने आपको ये सिंपली कर दिया। अब ये आ गया जी रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस, ये देखें सर्विस को रीअपोर्शन करना है, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड स्टेप डाउन और ये रेसिप्रोकल भी है, यानी टोटल तीन मेथड्स हैं। और ये जो स्टेप डाउन और रेसिप्रोकल है इन दोनों का नाम ही रखते हैं जी। अब देखिएगा ये वही टोटल है ना जो पिछली इलस्ट्रेशन में हमने बनाया, ये
इन चारों डिपार्टमेंट्स का टोटल है, यानी रीअपोर्शनमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो पहला हिस्सा खुद ही कर देगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू है तो वो 2 मार्क्स का है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कराएगा कि पहले एलोकेशन भी कराए, फिर अपोर्शनमेंट भी कराए, फिर रीअपोर्शनमेंट भी कराए। तो उसने सवाल पिछले वाले का टोटल लिया ताकि आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, अब इसमें उसने क्या हेडिंग रखी है, डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट दैट वर्क फॉर द कंपनी इन असेंबली एंड फिनिशिंग। अब देखो, कैंटीन से खाना मेंटेनेंस ने भी खाया होगा, लेकिन उसने अभी आपको डायरेक्ट वाला समझाना है। तो डायरेक्ट में ये होता है कि सर्विसेज आपस में लेन देन नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यही बताया ना कि सर्विसेज आपस में लेन देन नहीं करेंगे। इसका मतलब है उसने लिख दिया कि मैं क्लियर कर दूं कि जो कैंटीन है वो किनको खाना खिलाती है, असेंबली को और फिनिशिंग को। इसका मतलब है कैंटीन की कॉस्ट सिर्फ असेंबली और फिनिशिंग को चार्ज करनी है, मेंटेनेंस को नहीं करनी। और कभी भी अपने आप को तो कॉस्ट चार्ज करते ही नहीं है, यानी कैंटीन ने अपने आप को कॉस्ट चार्ज नहीं करनी, बाकियों को करनी थी तीनों को, लेकिन सवाल में बता दिया कि सिर्फ इन दोनों को करनी है। तो अब हम पे फर्ज है कि हमने इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कैंटीन को। और जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो उसने खुद ही बता दिया कि मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो किन में जानी है, असेंबली और फिनिशिंग में, और इतने परसेंट। तो काम आसान हो गया। अब हमने वही एनालिसिस शीट कंप्लीट करनी है जो उसने दी हुई है। अब जी इसका तरीका सीख लें। यहां पोर्शन 60 है कि एट द एंड ना ये जीरो होना है, यानी कैंटीन को खत्म करना है, ये 6600 खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, इस 6600 को बेसिक ऑफ अ पोर्शन कैंटीन के लिए क्या होना चाहिए, इंप्लॉयर। अच्छा, कैंटीन किन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, सिर्फ पहले दो में, इसमें और इसमें। इसका मतलब है कैंटीन का खर्चा कितने लोगों का है, 48 का, 48 ही बनेंगे ना, 30 + 18, 48 लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब कैंटीन का खर्चा पर एम्प्लॉय कितना हुआ, 6600 कॉस्ट है और 48 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो पर एम्प्लॉय कितना खर्चा बना। इसका मतलब है कि असेंबली के कितने एम्प्लॉयज थे, आई थिंक 18 × 137.5, तो यहां से असेंबली का एक्सपेंस आ जाएगा 2475। इसी तरह फिनिशिंग 30 × 137.5, चालीस पच्चीस, इनका टोटल कर लें उतना ही होना चाहिए, तो 6600 ये। तो इस शीट में हम यहाँ पे लिख देंगे 4 2475 और यहाँ पे आ जाएगा 4125। और इस लेन का टोटल करें अगर, यानी इन दोनों का टोटल और ये, तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखें, रीअपोर्शनमेंट में भी हमारी टोटल फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको जरा, तो ये जी रीअपोर्शनमेंट, हमने कैंटीन को रीअपोर्शनमेंट कर ली। अच्छा, जो आपकी मेंटेनेंस है वो उसने बताया जी 18600। अब ये दो में डिवाइड होना है, असेंबली में कहा 60% असेंबली में, तो इसका 60% आपने असेंबली को चार्ज कर देना है। इसमें काम और आसान है, इसमें परसेंटेज बता, कॉस्ट है उसका 60% है वो आप इधर चार्ज करेंगे, और जो 40% है वो फिनिशिंग में चार्ज करेंगे।
और इनका टोटल 18,600 होना चाहिए। तो यहाँ पे जी ये परसेंटेज उसने दिखाई हुई थी और ये बना जी 7440 और यहाँ पे 18,600 नेगेटिव होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, मेंटेनेंस भी ज़ीरो हो गया, कैंटीन भी ज़ीरो हो गया और ये बना 1160। जी ये रीअपोर्शनमेंट में अगर कोई मसला है यहाँ तक तो बताएं। अच्छा ये तीन मेथड है, डायरेक्ट, स्टेप डाउन और रेसिप्रोकल। एक सवाल है कि क्या तीनों से आंसर सेम आएगा? नहीं बेटा, तीनों से आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए आपने बड़े ध्यान से सवाल में देख लेना है कि मुझे कौन सा मेथड लेना है और फिर उसी मेथड का आंसर टिक करना है वरना नंबर कट जाएंगे। तो तीनों मेथड से आंसर डिफरेंट होगा, तो इसलिए आपने जो मेथड कहा हुआ है उसी मेथड के मुताबिक चलना है। ओके अब हम टोटल करें जी। अब आपके टोटल ओवरहेड्स कितने बने? 17,350 पहले थे प्लस ये दोनों भी आ गए, तीस हजार 985 बन गया जी। और उसके देखें दूसरे के कितने बन गए, 18,000। इन दोनों का टोटल करें जरा, ठीक है, वही होगा। यानी आपके इस तरीके ने भी आपके टोटल ओवरहेड्स पे कोई फर्क नहीं है, एक रुपए का फर्क नहीं है। अब आपके जेब में सवाल आ रहा होगा कि हमें ये इन दोनों को, सर्विस दोनों को जीरो क्यों करना पड़ा? उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा जब मैं आपको अब्सॉर्प्शन पढ़ाऊंगा। अभी से फिलहाल तरीकाकार को समझे, हमने किया क्या, मैं रिपीट करता हूं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स थे दोनों, हमने उनकी कॉस्ट को 18,600 को नील करना है, यानी 18,600 को खत्म करना है। कैसे करेंगे? इसको कहीं चार्ज करेंगे, तो वो बता दिया उसने कहां चार्ज करेंगे, कितना कितना करेंगे, तो वो यूजेज परसेंटेज दी हुई थी। इसी तरह कैंटीन 6600 उसको भी चार्ज करना है, किसी को, किनको चार्ज करना है, कॉमन सेंस थी कि तीनों को। लेकिन सवाल में क्योंकि उसने पहला मेथड बता रहा है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट का रूल ही ये है कि सर्विस आपस में लेन देन नहीं करते, तो सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में डिवाइड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये काम हमने किया है, हमने पहले को भी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरे को भी इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने आपस में लेन देन नहीं करवाया। तो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट है। अच्छा अब जरा इससे आगे चलते हैं। यार सॉरी, वो ना म्यूट हुआ हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कैंटीन और मेंटेनेंस को खत्म किया। मेंटेनेंस को किस तरीके से डिवाइड किया उसने क्वेश्चन में बता दिया था, कैंटीन को किस में डिवाइड करना था वो भी उसने बता दिया, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में हमने
करना क्या होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में चार्ज कराना है। तो ये देखें कि सर्विस वन को प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को चार्ज कर दिया, इसी तरह सर्विस टू को भी प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन टू में कर दिया, ये डायरेक्ट मेथड था। अब हम जब अगली इलस्ट्रेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पे स्टेप डाउन होगा। तो यहां तक आपको ये कैलकुलेशन, तो मेरी आवाज, मेरा ख्याल है कैलकुलेशन तक तो आ गई होगी, इससे आगे थोड़ी सी देर के लिए स्किप हुई थी क्योंकि मुझे एक कॉल आई तो मैंने शायद कॉल की वजह से वॉइस जो है वो म्यूट हो गई थी जी। तो ये जी आपका डायरेक्ट मेथड है क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट चार्ज करवाई, किन की, सर्विस डिपार्टमेंट्स की। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जब हम प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं तो वो कहलाता है रीअपोर्शनमेंट। अब नेक्स्ट पेज पे यही सारा काम हुआ हुआ है, मैं जानबूझ के आपको पहले सॉल्यूशन नहीं दिखाता ताकि आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं। आगे यही सारा कुछ दिया हुआ है, ये टोटल वही आया जो हमारा था और इन दोनों का टोटल भी वही है। ये नीचे कैलकुलेशंस हैं, आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैंने प्रॉपर समझा दी है। अच्छा, अब ये इलस्ट्रेशन थ्री पे देखें जी, इसको भी समझें, वही सारा प्रोसेस अब दोबारा रिपीट होने लगा है, स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट। अब स्टेप डाउन क्या था, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि जब मैं S1 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे दोनों प्रोडक्शन को चार्ज करना है और मुझे साथ ही कुछ शेयर S2 को भी देना है। लेकिन जब मैं S2 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमारा स्टेप डाउन मेथड है। सबको याद हो गया होगा कि स्टेप डाउन में हमने क्या करना होता है कि जो पहला डिपार्टमेंट होता है उसकी कॉस्ट दूसरे को चार्ज कराते हैं और दूसरे को पहले में कुछ शेयर नहीं देते। अब हम जरा देखते हैं उसी सवाल को, कहता है टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। तो उसने अगेन वहीं से शुरू किया, एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड का जो आंसर था चारों डिपार्टमेंट्स का उसने वो आंसर दे दिया। द कैंटीन फीड्स ऑल द स्टाफ दैट वर्क फॉर द कंपनी इन मेंटेनेंस फिनिशिंग एंड असेंबली। तो इसका मतलब है कैंटीन का खर्चा अब किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसने बता दिया मेंटेनेंस में, फिनिशिंग में और असेंबली में। बट मेंटेनेंस स्टाफ डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कैंटीन। वो जो एक स्टूडेंट का सवाल था ना कि कैंटीन में मशीनरी है तो क्या मशीनरी को कोई सपोर्ट दी होगी, तो उसने खुद ही क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैंटीन की मशीनरी को कोई सपोर्ट नहीं देता। तो इसका मतलब है स्टेप डाउन सिनेरियो हो गया कि एक डिपार्टमेंट तो दूसरे को बेनिफिट दे रहा है लेकिन दूसरे से कोई बेनिफिट नहीं ले रहा। तो जब वो बेनिफिट नहीं ले रहा तो वो कॉस्ट भी शेयर नहीं करेगा। तो अब हम इसको रीअपोर्शन करते हैं। अब आगे उसने बता दिया कि मेंटेनेंस डिवाइड होगा असेंबली और फिनिशिंग में इस रेशो पे और कैंटीन डिवाइड होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। तो अब ये वो शीट बनी हुई है, इस शीट को हमने अपोर्शन करना है। अब देखें कैंटीन, कैंटीन होनी है तीन हिस्सों में डिवाइड, तो पहले कैंटीन को करेंगे। तो मैंने यहां पे 6600 नेगेटिव लिखा तो ये जीरो हो जाएगा। कैंटीन होनी है तीन हिस्सों में डिवाइड, किन तीन में, इन तीन में, इनका टोटल कर ले 50 बनता है या 60। इसका मतलब है कि ये जो 6600 है इसको अब आपने डिवाइड करना है 60 एम्प्लॉइज में। पिछले सवाल में हमने 48 पे किया था क्योंकि वहां पे सिर्फ उन दोनों में डिवाइड होना था 110। तो ये आपका रेट आ गया भाई, एक बंदे के अगेंस्ट 110 आपका खर्चा है कैंटीन का पर एम्प्लॉय। तो असेंबली का कितना बनेगा 110 इंटू 18 1980, फिनिशिंग 110 इंटू 3300, मेंटेनेंस 110 into 12
1320, और इनका टोटल करें इतना होना चाहिए। अगर इतना ही है तो बिल्कुल ठीक किया आपने। तो इसको अब यहाँ पे लिखना है जी। तो यहाँ पे बेस में लिखेंगे इम्प्लॉयज, कि मैंने किसकी बेस पे किया, इम्प्लॉय की बेस पे। इसका आ गया 1980, इसका आ गया 3300, और इसका आ गया 1320, और इस लेन का टोटल इम्पैक्ट क्या आया, जीरो। कि ये तीनों जमा किए 6600, ये माइनस वाला, तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, अब देखें, अब क्योंकि मेंटेनेंस में पहले भी कुछ पैसे थे और कुछ पैसे और आए, तो यहाँ पे एक कॉलम हमने बनाया सब टोटल का, यानी अब मेंटेनेंस टोटल कितने का हो गया, 18600 पहले था, 1320 और आया, तो ये हुआ 19920। अब इस फिगर को इन दोनों में डिवाइड हो रहे, और इसकी उसने यूजेज परसेंटेज दी हुई थी, तो हमने यूजेज परसेंटेज लिखी यहाँ पे, कितने परसेंट असेंबली में शेयर होना है, 60%। तो ये 19920 का 60% जब आप लेंगे तो ये बनेगा 11952। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, असेंबली 60% शेयर जाएगा किसका, मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस अब टोटल कितना हो गया, 19920। तो स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो 18600 को ही डिवाइड कर देता है। नहीं, अब 18600 उसका पहले था, प्लस 1320 उसे कैंटीन का खर्चा भी बियर करना है, तो इसका टोटल हो गया 19920। तो ये 19920 का 60% आपने लिया तो वो बना 11952। और जब आप 40% लेंगे तो वो बनेगा 7968। जी मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट मैं दोबारा बात करता हूँ।
जी फिनिशिंग का आंसर आ गया 7968, और इनका अगर आप टोटल करेंगे तो वो वही होगा 19920, 19920 नेगेटिव, तो ये निल हो जाएगा। अच्छा अब आप इनके टोटल कर लें, टोटल ओवरहेड्स, तो इस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कुछ और आएंगे, पहले वाला आंसर नहीं रहेगा। तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्या सेम आंसर होगा, तो वो जवाब आ गया कि सेम आंसर नहीं है। जी इनका टोटल क्या आया जी, जो अब रिवाइज्ड कैलकुलेशन में? एक बच्चा कह रहा है सॉल्यूशन में आंसर डिफरेंट है, वो देख लेते हैं जी। अभी पहले आप टोटल तो करें, आंसर मैच पहले वालों के तो सारे हो गए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये अब 35238 किसका है, और 31 ये आई थिंक होगा 31282, और 35, और इनका टोटल वही होगा 66520। अच्छा जी देख लेते हैं क्या फर्क आया है, कि 1980 हमारा टैली है, 3300 टैली है, 1320 टैली है, 11952 भी टैली है, 7968 भी टैली है। तो यार आंसर में फर्क तो कोई नहीं है, ये टैली है बिल्कुल। आप कोई और आंसर देख रहे होंगे, यही हमारे आंसर आए। और पिछले सवाल में भी टैली थे जी। तो ये तरीका कार है जी, ये स्टेप डाउन मेथड हुआ कि एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट शेयर की, लेकिन दूसरे से वापस कुछ नहीं लिया। तो मुझे यहाँ तक बता दें कि आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सारा समझ आ गया। जिनको समझ नहीं आया वो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, और मैंने कोशिश की है कि आपको पहली दफ़ा में ही सारा कुछ समझ आ जाए। इन केस कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है तो लेक्चर को सिर्फ उतनी देर के लिए दोबारा सुन लीजिएगा। और ये मोस्टली लोगों ने बीकॉम में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन आपको विद कॉन्सेप्ट्स ये सारी चीज़ें आज बता दी गई हैं कि एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है, री अपोर्शनमेंट क्या है। तो री अपोर्शनमेंट जो है उसमें हमने आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पहला तरीका स्टेप डाउन मेथड किया। रेसिप्रोकल मेथड में आपको इंशाल्लाह कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ओवरहेड्स वाले चैप्टर को हम ऑलमोस्ट पेज नंबर 10 तक पहुंच गए हैं। हमने पहले से शुरू किया था, वहां से हम पढ़ते पढ़ते चीजें करते करते 10 पेजेस तक हम आ गए हैं। आप ये वाली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, आप कीजिएगा, बल्कि जरूर करनी चाहिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, ये सारा डाटा दिया हुआ है। C1 और C2 जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। सवाल को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा, और उसने जो पूछा है सिर्फ वो काम करना है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको पहले आप सारा रिवाइज कीजिएगा, फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 आप करेंगे तो आपसे हो जाएगी। अगर कोई गलती हो, इसका आंसर चैप्टर के आखिर पे मौजूद होता है, वहां से आप इसका आंसर टैली कर लीजिएगा। जहां पे कोई मिस्टेक आप करें वहां से हेल्प ले लें।
और अगर समझ ना आए तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये रेसिप्रोकल से इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, ये पेज नंबर 12 से। तो आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने पेज नंबर 11 तक इसको सारे को देख लेना है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं आंसर कर देता हूँ। अच्छा जी, एक बच्चे ने सवाल पूछा है सर इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो आपको पता है कि दो तरह से अवेलेबल हैं आपको। एक तो ICMA के पोर्टल पे ही आपको पिछले लेक्चर्स मौजूद हैं, आज का लेक्चर भी आज ही अपलोड हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो गूगल क्लासरूम मैंने बनाया हुआ है उस क्लासरूम में भी मैं क्लास के फ़ौरन बाद अपलोड कर देता हूँ, तो गूगल क्लासरूम से भी आप सुन सकते हैं और ICMA वाला पोर्टल जो है उसमें भी आप सुन सकते हैं। आज का लेक्चर भी होगा, पिछले भी हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा पेपर है तो मुझे बता दें FOH में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसका FCMA का ही पेपर है, तो FCMA में आपको जो FOH का आपको लाजमी एलोकेशन का सवाल भी आ जाएगा, अपोर्शनमेंट का भी आ जाना है, एक री अपोर्शनमेंट का भी आ जाएगा और अब्जॉर्प्शन का भी आ जाएगा। तो कल हम रेसिप्रोकल मेथड कर लेंगे और इसी तरह अब्सॉर्प्शन भी कल हो जाएगा कुछ बेसिक। तो फिर आप पेपर दे दीजिएगा जितना कुछ आपने किया है यहाँ तक, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अभी सिलेबस तो आगे काफ़ी रहता था तो वो आपने खुद से तैयार किया। होगा और अगर किसी और सब्जेक्ट का पेपर है आप अवेलेबल होगा पेपर देने आप। जी, ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है 1 वाली, ये स्टेप डाउन ही है, मैंने अभी वैसे पढ़ा नहीं। हाँ, ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है कि जब हमने S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिर्फ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब S2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो C1, C2 और S1। तो ये कौन सा स्नैरियो बन गया? ये वही स्नैरियो बना कि S1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है P1, P2 और S2 में, और जब S2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो सिर्फ P1 में और P2 में। तो ये स्टेप डाउन ही है। तो ये देखें, डाटा देख के पता चल गया है कि ये स्टेप डाउन मेथड है। अच्छा, अगर आपने ये इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं जो मैंने आज आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड यूज किया है तो ये भी देख लें। ये कन्वर्जन कॉस्ट की डेफिनेशन थी। ये कॉस्ट कार्ड है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था। फिर अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड से हमने स्टार्ट किया, स्टेप 1, 2, 3 और एलोकेशन की डेफिनेशन लिखी, उसे अंडरस्टैंड किया, फिर अपोर्शनमेंट की डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर रीअपोर्शनमेंट और फिर रीअपोर्शनमेंट के जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट में स्टेप डाउन और रेसिप्रोकल मेथड।
जी, अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।